हम लोगों ने अपने पिछले उसमें पढ़ा था, पिछले बार जो अपना पीरियड था, कि ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, कोई बताएगा मुझे? ज्ञानेंद्रियां को हम डिफाइन कैसे करते हैं? यस किरण, ज्ञानेंद्रियों शब्द है, इसको हम लोगों ने डिफाइन किया था। बताइए क्या होती हैं ज्ञानेंद्रियां? अच्छा ये तो ठीक है, नाक कान। अगर हम इस शब्द का संधि विच्छेद करें, ज्ञान प्लस इंद्रियां, सिट डाउन, ज्ञान इंद्रियां का अर्थ होता है ज्ञान प्लस इंद्रियां। इंद्रियां होती हैं हमारे अंग, और ज्ञान मतलब जो हमें नॉलेज दे, ऐसे अंग जो हमें बाहर के वातावरण की का ज्ञान कराती हैं, हम लोग उसे ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। मुख्य रूप से हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कितनी होती हैं? 5। सबसे पहले कान, हम लोग कान के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरे नंबर की ज्ञानेंद्री आंख के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले आंख, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आंख हमारे किस काम आती है? देखने। कोई भी वस्तु को देखने के लिए हम आंखों का प्रयोग करते हैं। आंखें कितनी होती हैं? दो होती हैं। क्या सारे जानवरों में होती हैं? हाँ, किसी किसी में नहीं भी होती हैं, किसी में एक आंख भी होती है तो किसी में ज्यादा आंखें भी हो सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सब जानवरों में आंखें हो। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोगों की, इंसान की जो आंख होती है वो कितनी होती है? दो। और उसका ज्यादातर जो रचना है वो इस तरह की होती है, बादाम के आकार की। कैसी बादाम? देखा है, खाया है ना, बादामी आंखें कहा जाता है ना, बादाम के शेप में हमारी आंखें होती हैं। ये देखो, ये ऐसे होती है, है? और इसके ऊपर, हाँ ये क्या है, पलक होती है ना, और ये डार्क होता है, ये डार्क होता है। और हर किसी की आंखों का जो ये कलर होता है ये अलग होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है। जो लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं, ज्यादातर अमेरिकन, यूरोपियन, ग्रे, ब्लू, ग्रीन, कई रंगों के हो सकते हैं ये आंख का तारा जो हमारा होता है। हाँ, और इसके ऊपर एक इस तरह से पलक, ये आईब्रो है ना, ये भी होती है, और ये आंख इस तरह से हमारी होती है। अच्छा अब ये बताइए कि इनका जो ये पलक, आपने कहा ये छोटे छोटे बाल देखिए सब अपनी आंखों पर हाथ लगा के, है ना, सबके आंखों पर है ना, ऊपरी पलक और निचली पलक है, इसका क्या काम है? हाँ, ये आंखों की सुरक्षा क्या करती है? आंखों की सुरक्षा करती है, जिससे कि कोई भी बाहरी, कोई मच्छर या कोई डस्ट, कोई भी पार्टिकल है जो हमारी आंखों में डायरेक्ट नहीं जा सकता है। आंखें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां हैं, इसके बिना हमारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। आपने देखा है ब्लाइंड, जो अंधे होते हैं, कुछ तो जन्म से ही होते और कुछ किसी दुर्घटना की वजह से अंधे हो जाते हैं। जो आप आंख देख रहे हो, ये एक्चुअली आंख के दो कपाल होते हैं, जो दो कटोरियां जैसे होती हैं, दो यहाँ पे गड्ढे होते हैं, उन कटोरियों के अंदर दो आंखें हमारी सुरक्षित रहती हैं। अच्छा, जो ये आंख आपको दिखाई दे रही है, ये आंख एक्चुअली में इतनी बड़ी है, हाँ पूरी इतनी बड़ी है, इसका केवल 1/5 हिस्सा, मतलब 1/5 पार्ट
ही हमको दिखाई दे रहा है। सबकी आंखों का जो पार्ट हमें दिख रहा है वो केवल इतना पार्ट दिखता है, देख रहे हैं, दिस इज 1/5, एक बटा पांच भाग जो आंख का है वही हमें दिखाई देता है, बाकी का जो भाग होता है वो हमारा पीछे की तरफ छुपा रहता है। अगर आप अपनी आंख को टच करके देखिए, आंख को बंद करिए और ऐसे टच करिए तो देखो एक बॉल जैसे होती है ना, गोल गेंद जैसे, बिल्कुल वैसे आपको महसूस होगा, हो रहा है? बंद करके देखिए ऐसे आंख को, आंख को ऐसे करिए, ऐसे करिए, हो रहा है? एकदम बॉल की जैसी दिख रही है। तो जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है वो केवल 1/5 हिस्सा है, बाकी के 4/5 हिस्से पीछे की तरफ उसके कक्ष के अंदर बंद होते हैं और उसमें एक पर्दा लगा होता है। आप जान रहे हैं पर्दा, इस जगह पर एक पर्दा लगा होता है, हाँ, और वो प्याज की जो झिल्ली होती है ना उससे भी पतला होता है। जैसे कान का पर्दा मैंने बताया था, ऐसे ही आंख का भी एक पर्दा लगा होता है। और ये जो काला तारा है यहाँ पर है ना, और ये सफेद भाग है, हमें जो आंख दिखाई देती है वो केवल इतनी सी दिखाई देती है, ये काला पार्ट और ये सफेद पार्ट, इसके पीछे पर्दा लगा है और इस यहाँ पर इसके पीछे एक छोटा सा लेंस भी होता है। क्या होता है? यहाँ पर इसमें एक छोटा सा लेंस भी होता है, इस लेंस की वजह से ही प्रतिबिंब बनता है। और जब वह प्रतिबिंब इस पर्दे पर बनता है तब हम कहते हैं कि हमें दिखाई दे रहा है। ये पर्दा है, ये आंख है और इस पर एक प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, जो लेंस होता है, सबने देखा है लेंस कि नहीं देखा है? अच्छा देखिए, हमारे क्लास में चश्मा किसने लगाया है? आंटी ने और पिंकी ने भी लगाया है ना। पिंकी देखो, आप अपना दीजिए हमें चश्मा, एक मिनट देखिए, इस चश्मे में एक लेंस लगा है ना? यस आंटी, लगा है, कांच लगा है, लेंस लगा है। तो ये लेंस, ये तो बहुत बड़ा लेंस है ना, हमारी आंख के अंदर बहुत छोटा सा एक लेंस लगा होता है, लेंस मतलब कांच का टुकड़ा ही होता है जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। अगर वो लेंस देखो पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब क्या होता है? जिसके आर पार हमें दिखाई, देखो इसके आर पार हमें दिखाई देता है तभी तो पिंकी को नजर आता है ना, अगर ये धुंधला होगा तो कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो हमारी आंख के अंदर भी एक लेंस लगा होता है, वो लेंस पारदर्शी होता है और जब उस लेंस में कोई खराबी आ जाती है तब हम कहते हैं कि हमारी आंखों की रोशनी खराब हो गई है या हमारी नजर खराब हो गई है। फिर हम अपनी आंखें टेस्ट करवाते हैं और तब हम उसका चश्मा बनवाते हैं। अब लेंस का मतलब समझ में आया? अच्छा, आप लोगों ने बुढ़ापे में जो 40-50 साल के लोग हो जाते हैं उनमें एक बीमारी का नाम जरूर सुना होगा, मोतिया मोतियाबिंद, कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रहे हैं, इसका लेंस बदल रहे हैं। इसका मतलब होता है जो हमारा लेंस है उसके ऊपर कुछ जम जाता है और वो धुंधला देखना शुरू कर, जैसे अगर हम लेंस के ऊपर चौक रगड़ दें तो क्या हमें साफ दिखेगा? नहीं। तो ऐसा ही होता है कि जब 40 साल से ज्यादा उम्र हो जाती है ना तो उस लेंस के ऊपर गंदगी आ जाती है, झिल्ली चढ़ जाती है, कुछ पत्थर जैसा जम जाता है और वो धुंधला हो जाता है। तो या तो हम लोग लेंस ही बदलवा देते हैं, अगर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो उसमें नया लेंस लगा देते हैं। डॉक्टर लोग क्या करते हैं? उस लेंस को हटा देते हैं, उसकी जगह नया लेंस लगा देते हैं, तो हमारी आंखों की नजर फिर से ठीक हो जाती है। और आप लोग जो चश्मा लगाते हो उसमें क्या, लेंस धुंधला नहीं होता है, लेंस या तो चौड़ा हो जाता है या सिकुड़ जाता है, उसकी जो डी शेप हो जाता है, समझ रहे हैं, डी शेप आकार बदल जाता है। जैसे वैसे अगर राउंड है तो अगर वो ओवल हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा या और किसी शेप में हो जाएगा। तो कुछ लोगों को जो तकलीफ होती है, पास की चीज अच्छे से पढ़ने में नहीं आती और कई लोगों को दूर की चीज अच्छे से पढ़ने में नहीं आती। दो तरह की नजर हम लोगों के चश्मे बनते हैं, एक कहते हैं ये पास का चश्मा है, एक कहा जाता है दूर का चश्मा है। हिंदी में हम इसको निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष, निकट
दृष्टि, दृष्टि क्या होता है? देखना, और दोष मतलब उसमें कोई कमी आ जाना, और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। ये दो तरह की आंखों के हमारे डिफेक्ट्स बॉडी में हो सकते हैं। एक और आप बात बताऊं मैं आप लोगों को, आप लोग सब लोग जानते हैं ना कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आंखें दान की जा सकती हैं। क्या पता है ये बात? लिखा है आपकी बुक में, बॉक्स में देखिएगा कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए और तुरंत हम डॉक्टर को इतला कर दें तो वह 15 मिनट में उसका ऑपरेशन करके उसकी आंखें दूसरे को लगा सकता है जिसकी आंखें ना हो। मतलब आप मरते समय भी कोई अच्छा काम कर सकते हैं कि हम अपनी आंखें दूसरों को दे सकते हैं, और इसमें कोई डरने की बात नहीं है, और इसमें जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद ही ऑपरेशन किया जाता है। ये ना सोचिए कि जिंदा में ही निकाल कर दे देंगे, जब मृत्यु हो जाती है तो मतलब उस व्यक्ति को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है, लेकिन उल्टा अच्छा ही काम है कि मरते समय भी वो अपनी आंखें, उसकी आंखों से पूरी दुनिया कोई देख सकेगा जिसने कभी इस दुनिया को ना देखा। ये नेत्रदान के बारे में पूरा एक आपके बुक में दिया गया है, और 15 मिनट केवल लगते हैं उसको डॉक्टर को आंखों का वो उसको ट्रांसप्लांट करने मतलब निकालने में। फिर उसको वो लोग फ्रिज में रखते हैं और जिसको आंखें लगानी होती है फिर उसका ऑपरेट करके उसमें आंखें लगा देते। जगह जगह पर आप लोग जैसे जब एडल्ट हो जाएंगे 18 साल के हो जाएंगे तो किसी भी आंखों के अस्पताल में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि हमारी मृत्यु के समय हमारी आंखें किसी को दी जाएं, इसका एक रजिस्ट्रेशन होता है। तो उस समय वो डॉक्टर आएंगे और आपका ऑपरेट करके मतलब इस तरह से कर सकते हैं। और इससे हम लोग हमारे भारतवर्ष में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नेत्रहीन हैं, समझ रहे हैं? किसी न किसी वजह से उनमें आंखों की रोशनी नहीं है, तो हम लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ जंतुओं में आंखें नहीं होती हैं? हाँ बताइए, केचुए में आंखें, हाइड्रा में और केचुआ में आंखें नहीं होती हैं, और कईयों में सांप में होती है, कई जानवरों में आंखें संयुक्त होती हैं। संयुक्त मतलब छोटी छोटी कई आंखें मिलकर एक बड़ी सी आंख बना लेती हैं, और एक ही आंख होती है इन लोग को। समझ गए आंख के बारे में कि अच्छा दूसरी ये बात है कि आंख हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है, तो इसकी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, इससे मतलब इसको देखभाल इसकी कैसे करनी चाहिए बताइए। हाँ, आंखों की सुरक्षा को हमें यह है कि इसमें किसी गंदे कपड़े से पोंछना नहीं चाहिए, साफ रुमाल से पोंछना चाहिए, और अपनी आंखों को सुबह और शाम को ठंडे पानी से धोना चाहिए, और आंखों के साइड्स में जब कीचड़ आ जाता है सुबह उठ के तो उसको साफ कर लेना चाहिए, और फैशन में आके रोज नए नए तरह के रंगीन चश्मे बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए, उससे कई बार आंखें खराब हो सकती हैं क्योंकि लेंस उसका जो क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जो सस्ते वाले लेंसेज हम लोग लेते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। और कोई भी ऐसा बच्चों को खतरनाक गेम नहीं खेलना चाहिए जिससे कि हमारी आंखों में चोट लग सके, जैसे आजकल जो वो तीर कमान वाला जो गेम होता है ना रावण वाला, इन दिनों में कई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कि बच्चों की, और हाँ टीवी का तो बहुत है, और कभी भी पढ़ते समय धुंधले प्रकाश में नहीं पढ़ना चाहिए। धुंधला प्रकाश देखिए, आप अपने बुक की तरफ देखिए, एकदम साफ पढ़ने में आ रहा है ना, मतलब हमारे रूम में काफी रोशनी है, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनमें रोशनी नहीं होती है, कम प्रकाश होता है, उसमें पढ़ने से आंखों पर इफेक्ट हो जाता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। इसके बाद हम लोग जो दूसरी ज्ञानेन्द्रिय पढ़ेंगे, दूसरी है, तीसरी क्या है, तीसरी ज्ञानेन्द्रिय क्या है? जीभ। जीभ में बताइए, जीभ हमारे किस काम आती है? ये देखिए, ये क्या है? जीभ, और ये आंख, ये कान।
जीभ हमारे, अच्छा जीभ में हड्डी होती है क्या? नहीं, वो केवल सॉफ्ट मुलायम मांस का टुकड़ा है जो हम लोग के मुंह में होता है। ये दो काम करता है, बोलने का, जीभ से ही तो बोलते हैं, और दूसरा स्वाद का। और खाना जो खाते हो जीभ पर ही तो रखते हो, कहाँ रखते हो? जीभ पर ही रखते हो। तो जीभ जो लार ग्रंथियां होती है ना, उसको मिलाता है खाने के साथ में। जो लार हमारे मुंह में होती है, थूक होती है, उसको खाने के साथ कौन, जब आप खाना खाते हो तो क्या जीभ जीभ चलती है? बिल्कुल, जब खाना खाते हैं तो जीभ तो चलती है, जीभ में मूवमेंट्स बराबर होते रहते हैं। अच्छा, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जीभ जो है वो चार तरह के स्वाद ले सकती है। बताइए कौन कौन से? एक एक, एक मीठा, हाँ यस, खट्टा, एक बच्चा, हाँ मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन सी जीभ जो होती है उसका स्वाद कहाँ पर कैसा होता है। ये जीभ है हमारी, देखो ऐसे ही होती है कि नहीं, ऐसे ही होती है जीभ हम लोग की? अच्छा देखिए, सब लोग को जीभ दिखाई दे रही है? इसका जो आगे का पार्ट होता है इतना, ये देखिए, ये आगे का पार्ट है, यहाँ ऐसे दाने दाने होते हैं ना, ये जो जीभ का पार्ट है ये मीठापन, क्या होता है? मीठा, स्वीट। ये हमें क्या बताता है? मीठा। यहाँ पर स्वीट ग्लैंड्स होती हैं, जीभ के ऊपर दाने जो होते हैं वो स्वीट ग्लैंड्स के हैं, जो हमें ये बताते हैं कि कौन सी चीज कितनी मीठी है। अच्छा, दाने तो यहाँ भी होते हैं ना, ऐसे से पूरी जीभ पे छोटे 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 दाने होते हैं। अच्छा, अब दूसरा हम चित्र बनाएंगे। अब इसमें बताइए, यहाँ पर नमकीन, हाँ ये होता है सॉल्टी, सॉल्टी होता है नमकीन। हाँ, ये जीभ के किनारे वाले जो हिस्से हैं वो नमक का स्वाद बताते हैं, जो आगे वाला हिस्सा होता है वो मीठे का स्वाद बताता है। और ये जीभ का ही शेप बन रहा है ना, और ये होते हैं एकदम यहाँ पर, देखो अलग अलग है ना, ये नीचे वाला, ये इधर वाला, ये इधर वाला, अलग अलग नहीं दिख रहे क्या? हाँ, जो ये वाला है वो बताता है सार, खट्टा। और पांचवा, चौथा कौन सा रह गया? नहीं, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। कड़वा एकदम लास्ट में। अब आप कभी भी कोई चीज खाएंगे ना, तो आप महसूस करिएगा कि आपको कहां पर कौन सी चीज दिखाई देती है, इसको कहते हैं कड़वा। अब ठीक से देखिएगा, ये मीठा बिल्कुल टिप पर, तब अपनी टिंग टंग में देखिए टिप, बिल्कुल जहां से जीभ शुरू होती है। नमकीन टिप के साइड्स में, और खट्टा बिल्कुल सेंटर की जो दोनों साइड्स होती हैं उसमें, और जो कड़वा एकदम पीछे। कड़वा जब आप लोग कोई चीज को, जैसे खीरा है या करेले की सब्जी खाई है, जब करेले की सब्जी खाते हैं ना, तो जब निगलते हैं, मतलब पूरा अपने चबाने के बाद उसको सब्जी को निगला, तब कड़वापन महसूस होता है, और चबाने में कड़वापन नहीं महसूस होता। तो इसका क्या मतलब है? जब वो सब्जी हमारी जीभ के लास्ट पार्ट तक पहुंचती है तब हमें कड़वी महसूस हो। खीरा भी ऐसे ही होता है कि जब हम थोड़ा सा टेस्ट करते हैं तो पता नहीं चलता, जब अंदर जाता है तो कहते हैं कि कड़वा है कि मीठा है। खीरा काटने से पहले चेक करते हो? करते ना। ऐसे लौकी भी की जाती है कई बार, कई बार लौकी भी कड़वी निकल आती है। हाँ, कटहल भी, सब्जियां कई, ककड़ी, खीरा, लौकी, ये फल जो है कभी कभी कड़वे, बेर भी कड़वे निकल आते हैं कई बार, जो हम लोग बेर खाते हैं हरे वाले, कभी कभी वो भी कड़वा निकलता है। तो कोई भी कड़वी चीज हमें एकदम बाद में पता चलेगी, खट्टा हमें
साइड में, अच्छा बताओ, जब साइड में खट्टा महसूस होता है ना, इसीलिए तो कई बार दांत भी खट्टे हो जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, दांत खट्टे हो गए खटाई खाने से, क्योंकि जो जीभ है साइड में दांतों को टच करती है। अच्छा, नमकीन, जब हम लोग दाल में नमक डालना भूल जाते हैं कई बार, है, या हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे हमने डाला कि नहीं डाला, याद नहीं आ रहा, तो एक कटोरी में या चम्मच में दाल लेके उंगली से हम लोग टच करते हैं, तो कहाँ टच करते हो? हाँ, समझ रहे ना, जब आगे आगे टच करने से पता चल जाता है कि उसमें नमक है कि नहीं है। इसके लिए ये नमकीन है। और मीठा, मीठा तो सभी को मालूम है कि टॉफी हम लोग चूसते हैं तो जीभ से, आइसक्रीम चूसते हैं तो जीभ से, और उससे हमें पता चलता है कि वो चीज मीठी है, नमकीन है, खट्टा है या फिर कड़वा है। अब इसके बाद, जीभ के बाद हम लोगों को जो चौथा ज्ञानेंद्री पढ़नी है वो है नाक। जीभ के बारे में आपने सुना होगा कि ये तो इंसानों की जीभ है, और जो सांप की जीभ होती है वो क्या काम करती है? सूंघने का भी काम करती है। सूंघने का, जीभ जो होती है ना उसकी, छिपकली की और सांप की, वो जब बाहर निकालता रहता है ना, तो वो अपने वातावरण की गंध लेता है, वातावरण की खुशबू ले लेता है, और उसको पता चल जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। समझ रहे? जीभ केवल स्वाद के लिए ही नहीं है, कई जंतुओं के अंदर जीभ, और मेढक, मेढक क्या करता है जीभ से? शिकार पकड़ता है, और सांप सूंघता है, और छिपकली भी सूंघती है। इसके बाद जो हमारा चौथा ज्ञानेंद्रिय अंग है, इसका देखिए चित्र आप लोग बना लीजिएगा कि इसमें मीठा कहाँ है, नमकीन, खट्टा और कड़वा कहाँ कहाँ पर होता है। चौथी ज्ञानेंद्रिय है हमारी नाक। नाक, जैसा कि आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये है ना सब लोग की, बताइए नाक हमारे लिए किस तरह से काम आती है? अगर यहाँ पर कोई बहुत खुशबूदार चीज रखी हो, या मैं परफ्यूम खोलूं, कोई सेंट की वो खोलूं, तो सबसे पहले हम लोग सांस में उसकी खुशबू लेते हैं और तुरंत बता देते हैं कि हमारे चारों तरफ का, अगर यहाँ कोई स्टिंकिंग चीज रखी हो, बदबू वाली रखी हो, तो हम क्या कहते हैं, बड़ी बदबू आ रही है कमरे में, सीलन की बदबू आ रही है, और झाड़ू लगता है तो झाड़ू की धूल मिट्टी की आती है, मतलब हर तरह की जो गंध है वो हमें कौन बताता है? नाक। अच्छा, आप लोगों ने उसके बारे में सुना है, कुत्तों के बारे में ना, कि जो कुत्ते की जो नाक होती है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, या सबसे ज्यादा पावरफुल सूंघने की शक्ति जो है कुत्ते में होती है। हाँ, बिल्ली और कुत्ते दोनों की कही जाती है, बिल्ली को कहीं भी चूहा हो उसको खुशबू आ जाती है, वो कोने में भी घुस घुस के चूहे को ढूंढ लेगी और खा लेगी। अच्छा, कुत्ते के सूंघने की शक्ति को हम लोग कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? एक मिनट, हाँ, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट जो है कुत्ते की सूंघने की शक्ति को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। और आपने शिकारी कुत्ते देखे होंगे, जब कहीं मर्डर हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो चेन बंधे हुए कुत्ते पुलिस वाले लेकर आते हैं और छोड़ देते हैं घर में, वो सूंघ के बता देता है तो यहाँ पर कौन। और देखो, जैसे उसने हमको सूंघा और फिर अगर हम उस कमरे में गए हैं, तो वो वहाँ की खुशबू लेके बता सकता है कि मैं किस जगह पर खड़ी थी, कि वो जिसने मर्डर किया है उसकी खुशबू किस कोने से आ रही है, कि वो मर्डर करने वाला कहाँ खड़ा था, और उस मालिक की खुशबू जो मरता है वो कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ था। ये सारी चीजें कुत्ता आराम से बता सकता है, समझ रहे? तो इसके लिए हर इंसान में मतलब सूंघने की शक्ति तो दी है, लेकिन जानवरों में यह शक्ति कुछ ज्यादा ही दी है, और इससे हम लोग सूंघ कर पहचानते हैं। और सबसे नाक जो हमारे लिए ज्ञानेंद्रिय है, और दूसरा भी एक अंग है श्वसन, सांस लेने में भी काम आता है। अच्छा, इन सब लोगों का जो ये हम लोगों ने आज जितने भी पढ़े हैं सेंस ऑर्गन्स, पांचवा है त्वचा।
अच्छा, आप लोगों ने ये देखा है कि जो नेत्रहीन होते हैं, नेत्रहीन मतलब जिनकी आंखें अंधे होते हैं, वो लोग पढ़ते हैं? यस आंटी। हाँ, कौन सी भाषा से? ब्रेल, ब्रेल, ब्रेल भाषा होती है। वो लोग क्या करते हैं? छूते हैं। देखिए, आप लोग आंख बंद करिए और इसको छुइए, छुइए, कुछ महसूस हो रहा है ना? आंख बंद करके छुइए इसको, देखिए कुछ महसूस हो रहा है ना? तो जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, वो त्वचा की ज्ञानेंद्रियों को, हाथों को टच करके बता देते हैं कि कौन सा शब्द लिखा है। मतलब कि ये हमें जो ज्ञानेंद्री है त्वचा की, टच करके हम लोग किसी भी चीज को महसूस करते हैं कि वो खुरदरा है, कि वो मुलायम है, कि वो गर्म है, ठंडा है, कि कैसा है। तो त्वचा हमारे लिए गर्मी सर्दी का महसूस कराना जो है वो त्वचा कराती है। अच्छा, जब सर्दी लगती है तो कितने बच्चों के रोंगटे खड़े हो जाते? क्यों होते? क्योंकि त्वचा, हमारी त्वचा बताती है कि भैया बहुत बहुत ठंड है बाहर, स्वेटर पहन लो, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और जब पसीना आता है तो वो भी त्वचा बताती है कि बहुत गर्मी है। इसका मतलब कि त्वचा एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है जो हमें चारों तरफ के वातावरण का ज्ञान कराती है, इसीलिए यह भी एक सेंस ऑर्गन है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या है? जीभ। ये कान, नाक, नाक, आंख और ये त्वचा। ये पांचों चीजें हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। अब इन सबको कंट्रोल करने वाला कौन है? मस्तिष्क। समझ रहे? जो भी चीज इन्होंने महसूस करी, चाहे वो आंख हो, चाहे नाक हो, चाहे कान हो, इन सब ने संदेश कहां भेजा? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क ने हमें इन सब चीजों की जानकारी दी। किसी भी रूप में ये पांचों अंग किसी न किसी तरह से मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं। समझ रहे? कोई कोई इंसान ब्लाइंड भी हो सकता है कि उसकी ऑप्टिक नर्व, वह नस जो कि जुड़ी रहती है मस्तिष्क से, अगर वो टूट जाए तब भी वो इंसान ब्लाइंड हो सकता है। समझ रहे? देखने में बिल्कुल सही है उसकी आंखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नस उसकी मस्तिष्क से जुड़ी है अगर वो ही टूट जाए तो ब्लाइंड हो जाएंगे। अगर नाक का कनेक्शन मस्तिष्क से टूट जाए तो हमें कोई खुशबू नहीं आएगी। कान का टूट जाए तो कोई हमें सुनाई नहीं देगा। पांचों अंग किसी ना किसी रूप में हमारे मस्तिष्क से जुड़े होते हैं और हमें वातावरण का ज्ञान करवाते रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बिना, एक अंग के बिना भी जीवन बहुत कठिन हो सकता है। अगर किसी के कान खराब है तब भी वो हम उसको विकलांग कहेंगे, बहरा, है ना? अच्छा, और किसी की आंखें खराब है तो अंधा। कोई जीभ गूंगा, गूंगे भी तो होते हैं जिनकी जीभ नहीं चलती है या जो बोल नहीं पाते हैं। और कईयों की त्वचा, त्वचा में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और क्या रह गया? आंख, नाक, कान। हाँ, किसी के यहाँ पे साइनस की, एक सांस की बीमारी नहीं हो जाती है, वो नाक में प्रॉब्लम की वजह से होती है। हाँ, साइनस, यहाँ पे हड्डी बढ़ जाती है नाक की, और उससे भी कई तरह के रोग हो सकते हैं जिससे कि आपको कोल्ड, कफ, सांस लेने में तकलीफ, एस्थमा, कितने तरह की बीमारियां होती हैं जो कि नाक से रिलेटेड होती हैं। अच्छा, अब आज आप लोग इन पांचों के, जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं, पांचों को लिखोगे। इनका चित्र अगर बुक में है तो बना लेना, और इनका यह चित्र भी बना लेना, ये है किताब में, कि किस तरह से मस्तिष्क हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों को जोड़े रखता है।